हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। जो भी खबरें हैं उन सभी को आज हम देखेंगे। सबसे पहले आप सभी इस पूरे वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सभी ने अगर अपना एग्जामिनेशन फीस भर दिया है तो आप सब अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहें। आपकी एग्ज़ाम 27, 28 और 29 अप्रैल को होगी। 27, 28 और 29 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, जिन शिक्षकों ने अपना एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं भरा है, आप अब अपने एग्जामिनेशन फ़ीस को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि डेट्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है डीएलएड और ब्रिज कोर्सेज के शिक्षकों से संबंधित, और खबर आ रही है उत्तरांचल के नैनीताल से, जहाँ पर डीएलएड शिक्षकों का ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका ये कहना है कि उन सभी शिक्षकों को राज्य सरकार के द्वारा पहले ट्रेनिंग दी जा चुकी है, फिर भी उन्हें डीएलएड और ब्रिज कोर्स करने को कहा जा रहा है। सो यहाँ पे शिक्षकों का ये कहना है कि जब उन्हें पहले ट्रेनिंग मिल चुकी है तो वो क्यों ऐसा कोर्स करेंगे। और यहाँ पे शिक्षकों ने मांग भी उठाई है कि उनका 7वां वेतनमान अनुरूप एरियर भुगतान करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बातें कही गई हैं, और इन बातों का मांग यहाँ पे उठाया गया है। तो ये खबर थी आपको उत्तराखंड के उत्तरांचल के नैनीताल से। अब बात करते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में। यहाँ पे जो अपडेट है ये आप देख पा रहे हैं, डीएलएड प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन। यहाँ पे जो भी पीसीपी थी वो ख़त्म हो चुकी है। और आप सब भी हमें कमेंट करके बताएं कि कितने शिक्षक हैं जिनका पीसीपी अभी भी चल रहा है, और कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका पीसीपी ख़त्म हो चुका है, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। अब बात करते हैं हमारे अगले अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए डीएलएड प्रशिक्षण समापन। यहाँ पे भी जो पीसीपी का कार्यक्रम है ये भी समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कई ऐसे शिक्षक हैं जहाँ पे, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई ऐसे स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पे लगभग अब पीसीपी ख़त्म हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, पीसीपी में भाग लेने का 29 को अंतिम मौका। राजस्थान के चुरू की ये अपडेट है। यहाँ पे एक स्पेशल व्यवस्था की गई सभी शिक्षकों के लिए, जहाँ पे 29 मार्च गुरुवार सुबह 10 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डाइट प्राचार्य ने बताया जिन छात्रों ने नया वेरिफिकेशन करवाया है तथा पूर्व में हुए पीसीपी कार्यक्रम में गैर हाजिर रहे हैं, जिनकी उपस्थिति 75% से कम है, वे 29 तक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डाइट प्रधानाचार्य ने कहा कि यहाँ पे शिक्षक आ सकते हैं और अपने पीसीपी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो यही है मॉडल स्टडी सेंटर का केस। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा था कि जिन शिक्षकों का 75% से कम है, वो अपने मॉडल स्टडी सेंटर का पता करके जाके वहाँ पे अपने पीसीपी के डेट्स को इनक्रीज़ कर सकते हैं। और जिन शिक्षकों ने अभी अभी अपना प्रिंसिपल वेरिफिकेशन कराया था, उन शिक्षकों के लिए भी ये पीसीपी क्लासेस जो है ये ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों के बारे में, जो कि आ रही है सीबीएसई और 10वीं और 12वीं के पेपर लीक से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा और काफ़ी दुखद ये घटना है कि 12वीं के अर्थशास्त्र और 10वीं के गणित की पेपर लीक देखने को मिली है, और सीबीएसई के बच्चों को काफ़ी परेशानी भी हुई है इसको लेके। और सीबीएसई के बच्चों का ये भी दावा है कि 12वीं के फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर लीक भी होने वाला है या हो सकता है। और यहाँ पे सीबीएसई ने इस पे काफ़ी कड़े रुख अपनाते हुए ये कहा है कि हम गूगल की मदद से और दिल्ली पुलिस की मदद से जल्द ही सभी पेपर लीकर्स का जांच पड़ताल कर लिया जाएगा और सभी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। और जो भी शिक्षकों के साथ, जो भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है, उन सभी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये अपडेट आपको देखने को मिल रही है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। और भी कोई अपडेट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉन्ग लिव इंडिया।